हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रसाद साटम। आज मैं आपको सिखाऊंगा आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम चालू है उसमें जो मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का ट्रेंड जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके लिए जो टोटल सिलेबस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का दोनों का सेम ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। यहाँ पे आपको 35 मार्क्स स्कोर करने का है। ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम है। यहाँ पे आपको किसी भी बेस पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आपको मिनिमम मार्क्स जो लाने के वो टोटल 35 मार्क्स है। 35 मार्क्स 35 परसेंटेज है। 35 परसेंटेज मतलब आपको 27 मार्क्स निकलने के आउट ऑफ 75 मार्क्स। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बल्कि ये शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको सिर्फ मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए। तो इसमें जो इजी टॉपिक्स है जो आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से, वो टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। वो बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आप उसको अच्छे से तैयारी करो उसकी। और दो तीन चार टॉपिक है वो अच्छे से कर लेंगे तो आप 35 मार्क्स 35 परसेंटेज कवर कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मार्क्स का अटेम करने को ट्राई करो, क्योंकि ये पेपर का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाओगे तो आप बहुत आसानी से कवर कर लोगे और प्रॉपर एक फोकस में जाओ तो ही आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक अगर टॉपिक ले लिया है तो वो टॉपिक पे ही आप कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे टॉपिक के ऊपर जाओ। तो ऐसे करके आप 40 मार्क तो कवर कर सकते हो। पार्ट ए पे ज़्यादा ध्यान देने का है आपको, क्योंकि वो आपको शॉर्टलिस्ट करके देगा नेक्स्ट राउंड के लिए। तो पार्ट ए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट बी। तो यहाँ पे आज हम आपको सिखाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड रेडियो टीवी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट लेक्चर हमारे रहेंगे। तो प्लीज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको उसमें बहुत सारे ट्रिक सिखाएंगे, नंबर्स एंड सिस्टम से उसमें सिंप्लीफाई कैसे होते हैं वो बताएंगे, और आपको उनका जो है प्रैक्टिस करने का कंटिन्यूसली। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है और उसके साथ स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास एक घंटा है और 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको 48 सेकंड से सॉल्व करने का है। मतलब आपको एक्यूरेसी तो चाहिए, आपको स्पीड ही चाहिए। तो हम जो आपको ये वीडियो दिखाएंगे सो उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर शुरू होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए गए हैं, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर में देखिए कि क्या होता है। बाइनरी नंबर में बेस इज इक्वल टू रहता है। डेसिमल नंबर में बेस जो रहता है वो 10 रहता है। ऑक्टल नंबर में जो बेस रहता है दैट इज इक्वल टू 8 एंड हेक्साडेसिमल में जो बेस रहता है दैट इज इक्वल टू 16। सो जो बेस रहता है वो दैट इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ दी नंबर्स दैट आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर नंबर। मतलब क्या, बेस इज इक्वल टू 2, मतलब क्या, देर आर टू नंबर्स दैट इज 0 एंड 1 विच कैन बी यूज। मतलब ये 0 एंड 1 आर द ये जो नंबर्स है वही नंबर्स एक बाइनरी में नंबर रिप्रेजेंट करने का। अगर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने का बाइनरी में तो वो दो नंबर्स यूज करके ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 0 एंड 1। सिमिलरली डेसिमल नंबर्स में 10 नंबर्स अवेलेबल है हम लोग को, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब टोटल ये 10 नंबर है। ये 10 नंबर ही यूज करके कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म। सिमिलरली ऑक्टल में देखेंगे तो उसमें भी 8 नंबर्स अवेलेबल है, फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 8 नंबर अवेलेबल है। उसके बाद और एक नंबर अवेलेबल है जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसमें देयर आर टोटल 16 नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जगह पे लिखते हैं A, B, C, D, E एंड F, दैट इज 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 15 तक ये नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो इतने सारे नंबर सिस्टम अवेलेबल है, तो देखेंगे कि ये नंबर में कैसे नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मली जो नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं दैट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर कोई भी नंबर है तो 23 वो लिखा रहता है, लेकिन वो अब तो वी आर नॉर्मली यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसमें ऐसे कोई बेस नहीं लिखा रहता है, लेकिन नॉर्मली इसमें बेस अज्यूम किया जाता है। तो ये नंबर 23 टू द बेस 10 रहता है। जो बेस 10 रहता है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ये डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है, ना कि किसी और फॉर्म में। सिमिलरली अगर कोई ऑक्टल नंबर लिखा है तो ऑक्टल नंबर सपोज 42 इज ऑक्टल नंबर, तो कैसे डिफाइन करें कि ये डेसिमल नंबर है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम रहता है। तभी इसमें बेस लिखा रहता है 8 टू द बेस 8 ऐसे लिखा रहता है। तो उसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो कैसे मतलब
आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर कौन सा नंबर है, नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर टू द बेस 10 है मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, टू द बेस 8 है मतलब वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। सिमिलरली अगर नंबर ऐसे डिफाइन किया 1, 2, 8, 2 ये हो गए हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसमें बेस कितना रहेगा, बेस 16 रहेगा। सिमिलरली बाइनरी में अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट किया 10 दैट इज इक्वल टू बेस 2, 10 रहता क्या रहता है अपना 10 मतलब 2 रहता है, सो उसका बेस क्या रिप्रेजेंट किया रहेगा 2 रहेगा। तो ये बेस लिखा हुआ जरूरी रहता है अगर कोई नंबर सिस्टम किसी और नंबर सिस्टम में लिखा होगा अदर देन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अपन कभी लिखते नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में उधर 10 रहता है, 8, 16 ऐसे हेक्साडेसिमल ऑक्टल में आ जाएगा। तो आपको कोई भी नंबर अगर डिफाइन करने का किसी भी नंबर सिस्टम में तो उसका बेस लिखना जरूरी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया ऐसी बेस की बातें। उसमें और एक बात आप याद रख सकते हो कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल नंबर सिस्टम उसका बेस कितना रहता है, 10 रहता है। तो जो मैक्सिमम नंबर अपने को अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज बेस माइनस 1। बेस माइनस 1 क्या रहता है, तो मैक्सिमम नंबर जो अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 9, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। सो जो मैक्सिमम नंबर किसी भी नंबर सिस्टम में अवेलेबल रहता है दैट इज इक्वल टू बेस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली आप ऑक्टल में देख सकते हो बेस माइनस 9 दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बेस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। सो मैक्सिमम नंबर अवेलेबल है जो 7 है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर है जो 16 है, बेस इज इक्वल टू क्या है 16। तो 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। तो आप देख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो मैक्सिमम नंबर अवेलेबल जो रहता है दैट इज इक्वल टू क्या, बेस माइनस 11। ये क्या हो गया, बेस माइनस 1 जो क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू बेस माइनस 1। यहाँ पे भी देखो बेस कितना है 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो जो मैक्सिमम नंबर अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया बेस में। एंड जो लास्ट नंबर टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल, कितने नंबर्स अवेलेबल है, तो दैट इज इक्वल टू बेस। अगर बेस 10 है तो वो नंबर सिस्टम में कितने 10 नंबर है फ्रॉम 0 to 9। अगर वो बेस उसका 8 है तो उसमें 8 नंबर अवेलेबल है दैट इज 0 to 7। ये बात तो, ये तो नॉर्मल बेसिक्स है अबाउट द नंबर सिस्टम। इसके आगे हम देखेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो कन्वर्जन बहुत ही ईजी रहता है, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कन्वर्जन के ऊपर। तो आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस भी अच्छे से करो, क्योंकि हम लोग आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। अभी नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। आप कंसीडर करो कोई एक नंबर है 231 टू द बेस 10। तो अभी टू द बेस 10 है मतलब इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर है और ये नंबर सिस्टम कन्वर्ट करेगा किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में। ओके, तो ये नंबर सिस्टम है जो किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का है। अभी यहाँ पे बताया गया कि उसका बेस है, तो बेस 10 है तो उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि ये जो है डेसिमल नंबर है। अगर आपको गिवन नहीं, क्वेश्चन ने पूछा नहीं रहेगा कि डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करो इनटू बाइनरी नंबर, अगर ऐसे गिवन नहीं दिया रहेगा तो बेस 10 लिखा रहेगा, तो बेस 10 का मतलब रहता है कि वो डेसिमल नंबर है। और अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का, तो ऐसा नंबर दिया रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रह सकता है, और टू द बेस यहाँ पे एच सपोज कंसीडर करो, मतलब किसी भी बेस में कन्वर्ट करने का है, किसी भी बेस में कन्वर्ट करने का है, तो पहले उसका बेस कितना रहेगा वो आपको पता रहना चाहिए। तो आप ये जो बाइनरी नंबर है वो किसी भी बेस में कन्वर्ट कर, ये जो डेसिमल नंबर है वो आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो नॉर्मल मेथड है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद उसकी ट्रिक क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस कंसीडर करो, इसका जो फॉर्मूला, इसके जो मेथड रहते हैं वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड रहते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये जो मेथड है वो मेथड को कहा जाता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड। तो 231 ये जो नंबर है उसको कन्वर्ट करने का है। सपोज ये x के जगह पे हम लिख देते हैं कि 2 दैट इज इक्वल टू बाइनरी। अगर बेस 2 लिखा है तो मतलब वो नंबर है बाइनरी नंबर, तो ये 231 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का है। तो अभी स्टेप देखो, स्टेप बहुत इजी है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड। तो डिवाइड मेथड से जो जो इंटीजर नंबर से जो पूर्णांक नंबर है उनको ही अप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई जो टेक्निक है वो उनको अप्लाई होता है जो पॉइंट में रहते हैं, डेसिमल्स में रहते हैं, लाइक 0.31 रहेगा तो उसके लिए जो पॉइंट रहता है, जो फ्रैक्शन रहते हैं उनके लिए मल्टीप्लाई मेथड रहता है। तो अभी मल्टीप्लाई मेथड नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर नंबर है। अगर डेसिमल नंबर रहेंगे, फ्रैक्शन नंबर रहेंगे, तो उसके लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई मेथड आएगा। तो डिवाइड मेथड में कैसे किया जाता है, तो 231 जो नंबर रहता है उसको कंटिन्यूसली डिवाइड करने का, जो बेस है, जो बेस नंबर है उससे डिवाइड करने का। यहाँ पे बेस नंबर क्या है, तो बेस नंबर जो अपना है, बेस इज इक्वल टू क्या है अपना,
इक्वल टू, मतलब ये जो 232 है उसको कंटिन्यूसली दो से डिवाइड करने का। तो यहाँ पे जो आएगा अपना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा, तो बेस इज इक्वल टू है उसे 230 को क्या करने का डिवाइड करने का। तो अगर 2 को 231 से डिवाइड किया तो आएगा 2 1 2 2 1 2, रिमाइंडर इज 1 1 1 एंड 1, दैट इज 11, 2 5 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद जो बेस है उससे वापस डिवाइड करने का, मतलब 2 से ही 115 को डिवाइड करने का, वापस 2 से 115 को क्या करने का डिवाइड करने का है। तो आएगा 2 5 10 15, 2 7 14, रिमाइंडर अगेन इज 1। अगेन इसको डिवाइड करने का विद बाय 2, तो 2 2 4 17, 2 8 16, रिमाइंडर इज 1। सिमिलरली अगेन इसको डिवाइड बाय 2 करने का है, 2 क्यों करने का है, क्योंकि 2 इज आवर बेस, जो बेस है उससे ही डिवाइड करने का है। तो 2 2 डिवाइड बाय 28 आएगा 14, रिमाइंडर इज 1। 2 डिवाइड बाय 14 को किया अगर उसका आंसर आएगा 7, रिमाइंडर सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, 28 2 2 into 14 28, रिमाइंडर आ गया 0। अभी 14 है तो 2 into 7 और रिमाइंडर वगैरह आ रहा है 0। अगर ये 7 को वापस से 2 से डिवाइड करें तो 2 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा आंसर 3, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अभी वापस ये 2 को 3 से 3 जो है उसको डिवाइड करने का बाय 2, तो 3 को डिवाइड करने का 2 से, तो उसका आंसर आएगा 2 1 2 और रिमाइंडर आ गया 1। तो उसके बाद जो आएगा वापस 0 आएगा, तो यहाँ पे मतलब 0 से जब आखिरी में 1 आएगा तभी ये स्टॉप करने का है। तो जो ये 1 है, जो लोवेस्ट बिट है, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, वो आपका हो गया MSB, जो लोवेस्ट बिट जो है वो आपका हो गया MSB, एंड जो यहाँ का बिट है उसको कहा जाता है LSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये नंबर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 11011, एंड इसका टू द बेस कितना आएगा 2। तो ये हो गया अपना बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू, ये जो डेसिमल नंबर है डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो कोई भी अगर डेसिमल नंबर रहेगा तो आप उसको बाइनरी नंबर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये तो हो गया नॉर्मल नंबर, ये तो नॉर्मल, अभी तो हो गया नॉर्मल ट्रिक हो गया, अभी नॉर्मल मेथड हो गया। तो उसके लिए ट्रिक भी एक है, वो ट्रिक के हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक बाद में बताएंगे। अभी सपोज कंसीडर करो कि जो ट्रिक है उसके हिसाब से आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप कंटिन्यूसली डिवीजन कर रहे हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो नीचे का बिट रहता है वो MSB रहता है और जो ऊपर का बिट रहता है वो LSB रहता है। अभी सपोज कंसीडर करो कि आपको नंबर दिया है तो 231.25, तो इसका बाइनरी नंबर आप बाइनरी कन्वर्ट जब आप कैसे करोगे, तो मेथड सेम रहेगा। इसके लिए ये वाला जो पार्ट है, जो डेसिमल नंबर और आपको इंटीजर्स का इंटीजर से जो प्योर इंटीजर से, तो उसके लिए मल्टीप्लाई मेथड है। और जो 25 जो बचा उसके लिए कौन सा मेथड है, उसको मल्टीप्लाई मेथड है। डिवाइड मेथड इंटीजर्स के लिए रहता है, जो पॉइंट में नंबर रहता है उसके लिए मल्टीप्लाई मेथड रहता है। तो मल्टीप्लाई मेथड कैसे यूज होता है, तो 0.25 जो रहता है उसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई देकर बेस करने का। सिमिलरली जैसे यहाँ पे डिवाइड बाय बेस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बेस करने का, बेस कितना अपना 2 है, तो 2 से 25 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 0.25 को अगर मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर कितना आता है, 0.50 आता है। इसका जो इंटीजर नंबर जो रहता है वो यहाँ पे लिखने का, इंटीजर कितना हो गया 0 हो गया। सिमिलरली 0.5 को अगर 2 से वापस से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर कितना है, 1.00 आता है। तो उसका मतलब कितना, इधर जो इंटीजर वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे कॉपी करने का, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1, और उसके बाद तो 0 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो बाद में आंसर 0 ही रहने वाला है। तो कंसीडर नहीं किया तो भी चलेगा। और इस केस में जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आता है, तो इसमें ये वाला जो बिट रहता है वो रहता है MSB, और जो लोवेस्ट बिट रहता है वो रहता है LSB। तो ये नंबर दैट इज 0.25 टू द बेस 10 कैन बी रिटन एज पॉइंट भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, 0.01 बराबर। तो ये हो गया 0.25 का हो गया। और अपने को नंबर जो गिवन था वो 231.25 था, तो 231 का तो आप लोगों को पता है नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो 231, तो 231.25 नंबर इन द डेसिमल कैन बी रिटन एज 11011, ये कॉपी किया एज इट इज। उसके बाद पॉइंट दिया, उसके बाद 0.25 का जो आता है, 0.25 का क्या आता है, 0.01,
दैट इज तो सिर्फ 01 कॉपी करने का पॉइंट के बाद, तो 01 और ये हो गया टू द बेस 2, तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू द बाइनरी नंबर। तो कोई भी पॉइंट वाला नंबर रहेगा तो आप उसको बाइनरी नंबर में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये उसका नॉर्मल मेथड है, उसका ट्रिक भी आपको अवेलेबल है। कि ट्रिक कैसा अवेलेबल है, अगर 231 है तो उसको आप कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का है। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा बेसिक्स मालूम होना चाहिए। तो बेसिक ऐसा है कि 2 raise to 0, 2 raise to 1, रुको मैं आपको अच्छे से बता दूं। तो ये आप पावर देख सकते हो, 2 raise to 0 1 होता है, 2 raise to 1 2 होता है, सिमिलरली 2 raise to 10 तक पावर लिख दिए। जो नंबर था अपना 2 raise to 231 नंबर था, उसको ये जो डेसिमल में था अभी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का, तो 231, तो ये नंबर को ऐसे नंबर में डिवाइड करने का है, मतलब एडिशन के फॉर्म में, क्योंकि एडिशन 231 होगा। और जो ये 231 का जो नंबर लिखेंगे, मतलब एक नंबर प्लस कोई और नंबर प्लस कोई और नंबर, तो ये जो नंबर रहेगा वो नंबर ये नंबर के बीच में से रहेगा और वैसे 231 फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कि वो कैसे आता है। 231 अगर 231 है तो 231 के नज़दीक यहाँ पे कौन सा नंबर है, 256, तो उससे बड़ा है तो उससे छोटा देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 128, तो 128 आ गया। तो अभी 231 में से 128 तो गया, तो उसका कितना आएगा, तो अभी बचा कितना, 103, तो 103 के नज़दीक यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो दैट इज इक्वल टू 64, तो 128 प्लस 64 आ गया यहाँ पे, तो इसमें से 64 भी हटा दो, तो ये कितना बचा, 39 बचा, तो 39 बचा, तो उसके बाद 39 के नज़दीक कौन सा आता है, 2 raise to 5 आता है, तो 32 प्लस 32 ऐड करो, तो उसमें 32 ऐड किया, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 39 से 32 गया तो दैट विल इक्वल टू 7, सो 7 कैसे फॉर्म किया जाता है, 4 plus 3 दैट इज इक्वल टू 21। तो बच गए 7 बच गए, तो 7 कैसे, 7 के नज़दीक कौन सा है, तो 7 के नज़दीक है 4, तो 4 plus 4 लिख सकते हैं उसको, तो उसको इसमें से 4 गए तो कितने बचे, अभी 3 बचे, तो 3 के नज़दीक कौन सा नंबर है, दैट इज इक्वल टू 2, सो प्लस 2 कर दिया, तो ये 3 में से 2 भी चला गया, तो बचा कितना 1, तो 1 के लिए हम लिख सकते प्लस 1, तो ये हो गया 231। 231 को एक ऐसे नंबर के एडिशन में कन्वर्ट किया है जिनका एडिशन 231 होता है, और ये नंबर इधर में से लिए गए हैं, तो 231 तो बेसिक 128 ले, क्योंकि 128 सबसे नज़दीक था 231 के, सिमिलरली आगे करते गए इनके एडिशन कितना था 231। तो अभी देखिए 128 कहाँ पे आता है, 128 यहाँ पे आता है 2 raise to 7, तो उसके लिए लिख देंगे 1 लिख देंगे, अभी आप यहाँ ये नंबर तो सब जीरो हो जाएंगे, मतलब आगे जीरो रहेंगे, तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो स्टार्टिंग में 2 raise to 7 दैट इज इक्वल टू 128 ये नंबर अवेलेबल है, तो इसके लिए 1 लिखा। उसके बाद 64 है, उसके बाद 64 भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके लिए 1 किया। 30 उसके बाद 32 है, इधर भी 32 है तो अवेलेबल है। इसके बाद 16 आता है, लेकिन यहाँ पे 16 तो नहीं है, तो 16 नहीं है तो यहाँ पे 16 का टर्म जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे उसके बाद 8 आता है, 8 का भी टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी जीरो आएगा। सिमिलरली 4 का टर्म अवेलेबल है तो उसके लिए 1 आएगा। सिमिलरली 2 का टर्म अवेलेबल है, उसके लिए भी 1 आएगा, और 1 का टर्म भी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी 1 आ गया। तो ये हो गया डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक, आप किसी भी नंबर को ऐसे नंबर में डिवाइड कर सकते हो कि वो उनका ये जो नंबर है उनका एडिशन ऐसे नंबर में डिवाइड करो कि नंबर यहाँ से आप ले सकते हो जिनका परफेक्ट 2 raise to power अवेलेबल रहता है। तो ये नंबर आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल को बाइनरी में। तो ये हुआ नॉर्मल ट्रिक मेथड। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी, अगर सपोज 531 आपको दिया है 533 और 533 आपको कन्वर्ट करने का इनटू, ये जो है 533 इज इन द डेसिमल फॉर्मेट, अगर आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का है तो आप देखोगे कि 513 ले लो, 513 है सबसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी आएंगे आपको एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे उनका लॉजिक रहेगा, नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अगर 513 देखो, अगर 513 को आप कन्वर्ट करना चाहो इनटू द बाइनरी, तो आप देखो 513 के नज़दीक कौन सा नंबर आता है, 512 आता है, तो 512 आ गया, 512 प्लस कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तो 513 हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल उसका कन्वर्जन, बहुत ही छोटा कन्वर्जन है। तो उसको अगर 512 प्लस 1, 512 मतलब कौन सा टर्म अवेलेबल है, 2 raise to 9 का अवेलेबल है,
तो उसके लिए मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद 256 अवेलेबल है नहीं है तो उसके लिए 0 लिख दिया। उसके बाद 128 भी अवेलेबल नहीं है, ये कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है तो सबके लिए 0 आएगा। तो उसके बाद जो लास्ट 118 टर्म है उसके लिए सिर्फ 1 आएगा, बाकी सब टर्म जो है वो एबसेंट है। 4 टर्म एबसेंट है, 2 एबसेंट है और जो ऑनली अवेलेबल है 1 है। तो ये हो गया 5513 का कन्वर्जन हो गया इनटू बाइनरी नंबर। तो ऐसे कुछ नंबर से उनका आपको बहुत इजीली हो सकता है कैलकुलेशन अगर इसका आप नॉर्मल मेथड से करने जाओ तो। कंटिन्यूस डिवीजन बढ़ता जाएगा क्योंकि ये जो नंबर है 512 उसको कंटिन्यूसली डिवाइड करो तो आपको इतने सारे टर्म्स है, मतलब ये इतने 8 टर्म को 8 बार आपको इसका डिवीजन करना पड़ेगा तो आपको डिफिकल्ट जा सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो ट्रिक मेथड है, ट्रिक मेथड आप यूज कर सकते हो, आपका आंसर जल्दी आ सकता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आप किसी भी नंबर को ऐसे नंबर्स में डिवाइड कर पाओ जो नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल्स हो, तो आप उनका जो टर्म रहता है वो कंटिन्यू वो पर्टिकुलर टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर 512 है मतलब 512 उसका ये वाला टर्म अवेलेबल है 2:9 वाला टर्म, तो इधर 1 लिया, बाकी जो टर्म नॉट अवेलेबल है उसको 0 लिख दिया। अभी 1 डायरेक्टली अवेलेबल है तो ये जो लास्ट वाला टर्म है उसके लिए 1 लिख दिया। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर को, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप आज ट्रिक अच्छे से सीख चुके हो तो ये ट्रिक का प्रैक्टिस करो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखो आपको इसके आंसर्स आते हैं कि नहीं, और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रैक्टिस करो। थैंक यू।